फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम लकीराम फ्रॉम एलआरजी टेक्निकल। आज आप लोग के साथ मैं एक नया विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। ये विषय बहुत इंटरेस्टेड भी है, साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। ये टॉपिक है जो सिलेंडर का अंदर कैसे इंटरनल लीकेज फाइंड आउट करेगा और कैसे आइसोलेशन टेस्ट करेगा। ये मैं कोशिश किया हूँ एक डायग्राम बना के समझाने का और प्रैक्टिकल के भी को दिखाने के लिए। तो कृपया ये वीडियो को ना काटते हुए आखिर तक पूरा देखिए, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा कि इंटरनल लीकेज कैसे होता है और कैसे आपको फाइंड आउट किया जाता है। तो चलिए अपन देखते हैं एक एक करके। चलिए, तो दोस्तों आज अपन चर्चा करने वाला हूँ ये सिलेंडर का अंदर इंटरनल लीकेज कैसे होता है और इसका द्वारा क्या प्रॉब्लम होता है मशीन में। अगर सिलेंडर का अंदर लीकेज है तो फर्स्ट आपका उसको ताकत कम हो जाएगा, उसका ड्रिफ्टिंग होते रहेगा। तो उसको कैसे पता चलेगा, और उसको टेस्ट करने के लिए जो अपन बोलते हैं उसको आइसोलेशन टेस्ट बोलता है। तो आइसोलेशन टेस्ट कैसे किया जाता है, आज मैं थोड़ा सा वीडियो का माध्यम से बताना चाहूँगा। और एक सिलेंडर का कौन सा पार्ट्स रहता है और कैसे पोजीशन में वो काम करता है, वो मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ वहाँ पे जाने के पहले। तो देखिए, एक डबल एक्टिंग सिलेंडर है। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर का अंदर क्या क्या पार्ट्स रहता है या कंपोनेंट्स रहता है, देखिए। ये अपना पिस्टन रॉड है, ये पिस्टन है, और ये पिस्टन का ऊपर ये आपका सील लगा रहता है। ये अपना बैरल है, यहाँ पे हैची कवर लगा रहता है, ठीक है। यह ग्लैंड बोलते हैं। ये ऑयल आने का ए पोर्ट है, तो ऑयल निकालने के लिए बी पोर्ट है। अभी इधर से ऑयल आएगा तो इधर जाएगा, इधर से ऑयल आएगा तो इधर निकल जाएगा। क्या होगा, जब ए पोर्ट में ऑयल आएगा तो इस जो एरिया है ये एरिया में पूरा ऑयल भरेगा और आपको पिस्टन को उधर मूव करेगा। मूव करते करते जब इधर आएगा तो ए एरिया का जो ऑयल है यहाँ से ड्रेन होकर टैंक में चल जाएगा। अगर बी पोर्ट से ऑयल आएगा तो क्या होगा, इधर ए ऑयल भरेगा, ए ऑयल भर के फिर इधर से आपका पुश करेगा, इधर से पुश करते करते इधर से ड्रेन हो जाएगा। तो अगर आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ इस जगह से या इस जगह से ए सील अगर कट गया होगा या बैरल स्क्वायरिंग हो गया तो क्या होगा, इंटरनल लीकेज रहता है। तो जब अगर अपन इधर से ऑयल फिलिंग करेगा तो क्या होगा, इंटरनल लीकेज हो जाएगा। तो क्या, उतना पावर नहीं मिलेगा, उतना क्षमता नहीं रहेगा और साथ साथ ड्रिफ्ट भी होते रहेगा। तो अपन एक सर्किट के माध्यम से देखूंगा जो कैसे अपना एक ड्रिफ्ट होता है या कैसे आपका काम करता है। और देखिए, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, उसको अपन इसको अपन रॉड एंड साइड बोलता है, इसको अपन हेड एंड साइड बोलता है, हैं। ये देखिए, एक छोटा सा डायग्राम है, ये मैं सिंपल डायग्राम बनाया, उतना अच्छा से बनाया नहीं है तो माफ करिए डायग्राम के लिए, पहले क्षमा मांगता हूं मैं आप लोग से। ये हाइड्रोलिक पाम है, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये टैंक है। ये चार में कंपोनेंट्स लेके ये डायग्राम बनाया है। इसको आइसोलेशन टेस्ट कैसे किया जाता है और कैसे करना है अपना मशीन में भी एक मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आप लोग को। तो पहले मैं आप लोग को मशीन में दिखाने के पहले एक डायग्राम से बता देता हूं, ताकि आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। तो जैसे अपना पाम से ऑयल दे रहा, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जा रहा, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से सिलेंडर का बी पोर्ट में अगर गया तो बी पोर्ट में जो भी एरिया है वो पूरा भर जाएगा ऑयल में। उसके बाद इधर से पुश करते रहेगा तो क्या होगा, ए पोर्ट जो है ए पोर्ट से रिलीज होके डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से सीधा टैंक में चल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इस जो ए पिस्टन है और पिस्टन सील है, अगर ये लीकेज रहेगा, इंटरनल लीकेज रहेगा, तो क्या होगा, ये बी पोर्ट में ऑयल आते ही आपका ए पोर्ट में भी इंटरनल पार होते रहेगा। तो क्या हो गया, इतना आपको इसमें क्षमता घट जाएगा, पावर घट जाएगा। तो इसको अपन टेस्ट कैसे किया जाता है मशीन में, या कैसे अपन को पता चलेगा इंटरनल लीकेज है नहीं है, इसके लिए अपन मशीन में चलिए एक वीडियो करके आपको दिखाते हैं, वीडियो में मशीन में टेस्ट करके दिखाते हैं, ताकि आप लोग को
प्रैक्टिकल में भी अच्छा रहेगा, साइड के लिए कोई दिक्कत ना आए। हैं चलिए दिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अपन प्रैक्टिकल कर रहा मशीन के अंदर। देखिए पहले तो मैं मशीन को अच्छा से सेफ्टी से खड़ा किए हैं, सेफ्टी के साथ हैं। और उसके बाद बूम सिलेंडर को पिन खुला है आपका रोड एंड साइड का, और प्रॉपर तरीके से उसको होल्ड किया हुआ है अच्छा से सेफ्टी के साथ। देखिए उसके बाद क्या होता है। तो देखिए मैं हेड एंड साइड का होस को खोल दिया है। हेड एंड साइड का होस को खोल देने के बाद क्या हुआ, रोड एंड साइड को पूरी तरह से अंदर ले लिया। पूरी तरह से अंदर लेने के बाद क्या हुआ, मैं और रोड एंड साइड से ही ऑयल आने के लिए प्रेशर दे रहा हूँ। अगर मेरा ए पोर्ट से भी अभी ऑयल नहीं आ रहा, अगर ए पोर्ट से अगर मेरा ऑयल आता था तो इंटरनल लीकेज होता था या आपका प्रॉब्लम सिलेंडर के अंदर होता था। अभी इस कंडीशन में ये सिलेंडर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिलेंडर